सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अगर आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है, सीएससी नहीं है, तो भी आप लोग अपने के साथ साथ दूसरे का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बेसिकली देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तीन लेवल पर अप्रूवल होता है। पहला ब्लॉक लेवल पर, दूसरा तहसील लेवल पर, तीसरा स्टेट लेवल पर। और बेसिकली प्रॉब्लम दो ही लेवल पर आता है, पहला ब्लॉक लेवल पर, दूसरा तहसील लेवल पर। बाकी स्टेट लेवल पर अप्रूवल बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप लोग इसे भी सॉर्ट आउट करेंगे, साथ में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को लगेगा और लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोग कैसे प्राप्त करेंगे, मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली मैं आप लोग को यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद लिखेंगे पीएम किसान। पीएम किसान लिखने के बाद जैसे सर्च करेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, फर्स्ट वेबसाइट। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आप लोग के सामने दिखाई देगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर जैसे टॉप में देख सकते हैं लिखा हुआ न्यू फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने एक नया पेज इसका ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आप लोग को सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए बोला जाता है। पहला, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्र से हैं, गांव में हैं, तो आप लोग रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां से स्टेट सेलेक्ट करेंगे और बेसिकली यहां पर जो मोबाइल नंबर आप देंगे, कोशिश करेंगे कि जो नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है उसी नंबर को दें, या फिर दूसरा नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग के आधार कार्ड में आपका एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो आधार ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होने वाला है। तो बेसिकली चलिए मैं यहाँ पर सिंपली डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके बाद ओटीपी मेरा आ चुका है। ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली अगेन कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक और ओटीपी आएगा, जो कि आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पर आएगा। तो सिंपली ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली सबमिट करेंगे। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर आधार के माध्यम से सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। इसके बाद आप लोग को सिंपली अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करना है, इसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है, इसके बाद आप लोग को विलेज सेलेक्ट करना है। देखिए, सारा का सारा बहुत ही आसान है। बेसिक डिटेल बिल्कुल आप लोग को देना है, कोई भी ऐसा इसमें क्रिटिकल नहीं है जिससे कि आप लोग को प्रॉब्लम इसमें हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर सारा का सारा डिटेल देना है आप लोगों को। और बेसिकली आप लोग को यहाँ पर लैंड का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी आप लोगों को कैसे मिलेगा, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद सिंपली आप लोग को यहाँ पर जो है, आप लोग को जो है लैंड का रिकॉर्ड आप लोग को यहाँ पर देना होता है, डिटेल देना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पर जो है मानधन योजना को चालू करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर और डिटेल्स यहाँ पे मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से, क्योंकि मैं जिनका यहाँ पर डिटेल्स यूज कर रहा हूँ वो सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है किसी के सामने शो करना। ठीक, तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लैंड का जो है डिटेल आप लोग देंगे, जहाँ पर आप लोग को सिंपली यहाँ पर जो है खसरा नंबर देंगे, इसके बाद जो है आप लोग एरिया देंगे। एरिया देने के बाद सिंपली आप लोग को सिंपल डिटेल है जो कि आप लोग को फिल करना है यहाँ पर। और बेसिकली आप लोगों ने किस तरीके का लैंड यहाँ पर लिया हुआ है, मान लीजिए अगर आपके पास आपके नाम पर वारासत हुआ है पिताजी का ज़मीन, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज अगर आपने परचेज किया है ज़मीन तो परचेज्ड लैंड पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको गिफ्ट में मिला हुआ तो गिफ्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहीं पर ध्यान से देखिएगा। और बेसिकली आप लोग को यहाँ पर डेट लगने वाला है, जिस डेट पर आप लोगों ने अगर ज़मीन को ख़रीदा है तो उस डेट को यहाँ पर लिखना होगा। और डेट आप लोग को कहाँ पर मिलेगा, बेसिकली अभी मैं आप लोग को बताऊँगा, भूलेख के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को मिल जाएगा यह जो है कि आपके रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्री फॉर्म होगा उस पर मिल जाएगा, रजिस्ट्री जो कागज़ मिलता है आप लोगों को। ठीक है, स्टाम्प। इसके बाद सिंपली यहां से आप देखेंगे कि आपका जो लैंड का रिकॉर्ड है ये सिंपली सक्सेस हो चुका है, सबमिट हो चुका है ऊपर में। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि सिंपली जो अभी आप लोगों ने रिकॉर्ड जो है अपलोड किया है ज़मीन का, उसका एक फ़ोटो यहां पर अपलोड करेंगे। फ़ोटो सिंपली पीडीएफ में होना चाहिए, बेसिकली स्कैन, और पीडीएफ का साइज़ जो है 100 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपलोड करने के बाद सिंपली सबमिट पर
क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं स्टेटस में यहाँ पर शो कर रहा है कि जो फॉर्म है सबमिट हो चुका है। और इसका आप लोग स्टेटस भी कैसे चेक कर सकते हैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैसे आप लोग लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करेंगे। गूगल पर भूलेख लिखेंगे, इसके बाद आपके सामने भूलेख का ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खतौनी अधिकार की नकल देखें। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा आप लोग के सामने दिख रहा होगा, इस कैप्चा को सिंपली फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये देखें, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी प्राप्त करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसके बाद जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है भूलेख का ये वेबसाइट ओपन हो करके आ जाएगा, जहाँ से आप लोग को सिंपली स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरे केस में मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हूँ, यूपी से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही जो है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, और उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप लोग यहाँ से अपना ग्राम सेलेक्ट करेंगे जिस भी ग्राम से आप बिलोंग करते होंगे। तो मेरे केस में मैं यहाँ पर भवनी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से भवनी जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खसरा संख्या फिर खसरा संख्या आप पर बोला जा रहा है। तो सिंपली जो लैंड रिकॉर्ड में उनका खसरा संख्या होगा, तो सिंपली खसरा संख्या आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो खसरा संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बगल में करीबन 15-20 अक्षर का करीबन ये जो आईडी दिख रहा है, यही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है। इसी को सिंपली आप लोग को फिल करना है। अब बात करते हैं कि कैसे स्टेटस चेक करेंगे। तो यहाँ पर जब आप लोग होम पेज में पीएम किसान की वेबसाइट में नीचे आएंगे तो सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर्स सीएससी फार्मर्स। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके जो आप लोग का अभी रेफरेंस नंबर मिला था, आपका आधार नंबर ही, उस आधार नंबर को सिंपली यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यह जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोग सिंपली आधार नंबर देंगे, इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे, तो यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आप लोग का स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप लोग स्टेटस भी इसका चेकआउट कर सकते हैं और फार्मर का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।